स्वदेशी रक्ष राजपूत और आज हम कंपेयर करेंगे निशान मैग्नाइट विद रेनो काइगर। तो दोनों ही गाड़ियां कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की हैं और जिन लोगों का बजट है 6 से 7 लाख रुपए और उन्हें कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है तो दोनों ही गाड़ियां काफी अच्छा ऑप्शन बन जाती हैं। और आज हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही गाड़ियों को और देखेंगे कि कौन किससे कितना आगे है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो लेंथ निशान मैग्नाइट की है 3994 mm और लेंथ काइगर की है 3991 mm। तो वैसे लेंथ तो दोनों ही गाड़ियों के लगभग सेम है, मतलब 3 mm का ही फर्क है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की विड्थ के बारे में। तो विड्थ निशान मैग्नाइट की है 1758 mm और विड्थ काइगर की है 1750 mm, जो कि 8 mm कम है निशान मैग्नाइट की विड्थ से। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की हाइट के बारे में। तो हाइट निशान मैग्नाइट की है 1572 mm और हाइट काइगर की है 1605 mm, जो कि ज़्यादा है निशान मैग्नाइट की हाइट से। तो आपको लेंथ और विड्थ में निशान मैग्नाइट आगे दिखाई देगी। वहीं अगर बात की जाए हाइट के बारे में तो हाइट में आपको काइगर ज़्यादा आगे दिखाई देगी निशान मैग्नाइट से। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों का सेम है 205 mm, जो कि काफ़ी अच्छा है अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से। अब देखते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले व्हील बेस को। तो व्हील बेस होता है गाड़ी के फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच का डिस्टेंस। तो व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है 2500 mm और वैसे भी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी का व्हील बेस सेम ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस निशान मैग्नाइट में मिलता है आपको 336 liters का। वहीं बूट स्पेस आपको काइगर में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, वो है 405 liters का। तो अगर आपके पास ट्रैवल करते टाइम ज़्यादा सामान रहता है या फिर ज़्यादा लगेज रहता है तो आप काइगर की तरफ जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू निशान मैग्नाइट। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के व्हील्स के बारे में। तो व्हील साइज निशान मैग्नाइट में और काइगर में सेम मिलता है, जो कि है 16 inches। चाहे आप इनका टॉप मॉडल लें या फिर बेस मॉडल लें, सारे ही वेरिएंट्स में आपको सेम व्हील साइज मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टर्निंग रेडियस के बारे में। तो टर्निंग रेडियस होता है कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। तो टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो टर्निंग रेडियस निशान मैग्नाइट का है 5 meters, वहीं टर्निंग रेडियस रेनो काइगर का है 5.1 meters। तो दोनों ही गाड़ियों का टर्निंग रेडियस भी लगभग सेम है और 0.1 meter का ही डिफरेंस है। और इतने डिस्टेंस को तो आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हो और कोई सी भी गाड़ी चूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो इंजन ऑप्शंस दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निशान मैग्नाइट के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो निशान मैग्नाइट में आपको 2 इंजन ऑप्शन ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें पहला इंजन है 1 liter का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो जनरेट करता है 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क। इसी में आपको जो सेकेंड इंजन ऑप्शन मिलता है वो है 1 liter का टर्बोचार्ज इंजन, जो जनरेट करता है 100 PS की पावर और 152 Nm का टॉर्क। इसमें आपको कोई भी डीजल ऑप्शन नहीं मिलता, ये दोनों ही इंजन आपको पेट्रोल में मिल जाते हैं। और अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं रेनो काइगर के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो रेनो काइगर में भी आपको मिलता है 1 liter का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो जनरेट करता है 71 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क। और काइगर में जो आपको सेकेंड इंजन मिलता है वो है 1 liter का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 98 PS की पावर और 152 Nm का टॉर्क। तो इन दोनों ही गाड़ियों में इंजन और पावर सेम ही मिल जाती है और दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल है। तो आप अगर डीजल लवर हैं तो इन दोनों ही गाड़ियों को आप प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डीजल का ऑप्शन किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सेफ्टी फीचर्स में मैग्नाइट में आपको मिलता है ABS with EBD, ड्यूअल एयरबैग्स, पार्किंग कैमरा, 4 parking sensors, डायरेक्शन कंट्रोल, ESP मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स्ड सीट्स जैसे फीचर्स आपको निशान मैग्नाइट में मिल जाते हैं। वहीं बात करें अगर काइगर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो काइगर में भी आपको ये सारे ही सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। कोई भी ऐसा एडिशनल फीचर काइगर में आपको ऑफर नहीं किया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में ये है कि इन दोनों ही गाड़ियों को क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में 4-star सेफ्टी भी मिली हुई है। तो दोनों ही गाड़ियों में कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल बात है। चाहे आप इंजन की बात करो, चाहे आप टर्निंग रेडियस की बात करो, चाहे आप सेफ्टी की बात करो, सारे ही क्राइटेरियाज में ये दोनों ही गाड़ियाँ सेम ही मिल जाती हैं आपको। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको निशान मैग्नाइट ज़्यादा आगे दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू काइगर, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट मैंने देखी है
जिसमें लोगों ने बताया कि काइगर में आपको जो सेकेंड रो है उसमें कम स्पेस मिलता है एज कम्पेयर टू निसान मैगनाइट। वहीं अगर बात की जाए दोनों ही गाड़ियों में कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के जो और फीचर्स आते हैं जैसे सनरूफ, तो सनरूफ दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलती है। लेदर की सीट्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों के जो टच पॉइंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच में बनाई हुई है। तो वैसे ओवरऑल आप देखोगे तो दोनों ही गाड़ियाँ कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस में भी सेम ही है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में। तो प्राइसेस निसान मैगनाइट के स्टार्ट होते हैं 5.88 लाख से और उसके टॉप मॉडल का प्राइस है 10.56 लाख। वहीं अगर बात की जाए काइगर के प्राइसेस के बारे में तो काइगर का प्राइस स्टार्ट होता है 5.99 लाख से और उसके टॉप मॉडल का प्राइस है 10.56 लाख। मतलब प्राइसेस भी दोनों ही गाड़ियों के सेम मिल जाते हैं पर बेस मॉडल का प्राइस निसान मैगनाइट का थोड़ा सा कम है, जो निसान मैगनाइट को बनाता है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई और कौन सी गाड़ी के आपको फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगे और कौन सी गाड़ी की आपको लुक्स ज़्यादा अच्छी लगी। तो अभी भी आपको अगर इन दोनों ही गाड़ियों में कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं और भी किसी गाड़ी का कंपैरिजन किसी भी गाड़ी के साथ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।